जनता यूनाइटेड की चोचलीबाजी है। जो दल अपने बिहार में अपने बूते न सरकार बना पाई और इधर के दिनों में इनकी क्या स्थिति है एमडी आइलैंड्स में, ये सबको पता है। सरकार की वो रैली करना चाह रहे थे और किस स्थिति में वो मैदान नहीं मिला, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी हो गई। स्वाभाविक है कि कभी अडानी का नाम लेंगे, कभी बनारस की चर्चा करेंगे, कभी किसी और चीज़ की चर्चा करेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना भारत के लोगों को फर्क पड़ता है। नीतीश कुमार के बनारस रैली को लेकर लगातार जदयू के द्वारा भाजपा पर आरोप लगाई जा रही है। इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी सीधे तौर पर जमकर कटाक्ष करते हुए कहा नीतीश कुमार को कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने बूते सरकार नहीं बिहार में बना पाए तो क्या दूसरे राज्यों में वो जाकर रैली करेंगे। वही आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार भाजपा जो है 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर भी जदयू लगातार बौखलाई हुई है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, उनकी बातों को सुनिए। जनता यूनाइटेड की चोचलीबाजी है। जो दल अपने बिहार में अपने बूते न सरकार बना पाई और इधर के दिनों में इनकी क्या स्थिति है इंडी आइलैंड्स में, ये सबको पता है। और किस प्रकार की वो रैली करना चाह रहे थे और किस स्थिति में वो मैदान नहीं मिला, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी हो गई। तो कारण समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 3 राज्यों में एक मजबूत स्थिति बनाई है उससे ये काफ़ी बौखलाए हुए हैं। और इन्हें जब इंडी में ही इनकी कोई पूछ नहीं हो रही है तो स्वाभाविक है कि बनारस में जाके ये किस प्रकार का रैली करना चाह रहे थे। ये सिर्फ राजनीतिक एक जीवंतता को बनाए रखने के लिए इस तरह की चोचलेबाजी श्री नीतीश कुमार जी और उनके जो सहयोगी है वो करते रहते हैं। इससे कोई राजनीतिक स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो एक जिम्मेदारी बिहार की जनता ने उन्हें दी है उसे बेहतर ढंग से वो निभावे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक मजबूत और कद्दावर नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व है, और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है, तो स्वाभाविक है कि कभी अडानी का नाम लेंगे, कभी बनारस की चर्चा करेंगे, कभी किसी और चीज़ की चर्चा करेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भारत के लोगों को फर्क पड़ता है। भारत के लोग जानते हैं कि यह भारत किसके हाथ में मजबूत है। तो ही आगे उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि बिहार में अडानी के ग्रुप इन्वेस्ट करेगी तो उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के हाथों में सुरक्षित है और सुरक्षा है, और जिस तरीके से बिहार की जनता और देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना काम हो रहा है, और ऐसे में सिर्फ जदयू रैली और अडानी के ग्रुप की ही बात करती रहेगी। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश।